उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 47वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को मनाने के लिए आज गोरखपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एक तरफ जहां सिख समाज के लोगों ने जटाशंकर गुरुद्वारे के पास सीएम योगी के जन्मदिन के मौके पर मिठाइयां बांटी और राहगीरों को शरबत पिलाया, वहीं विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने गोरखपुर के काली मंदिर पर हवन पूजा किया और सुंदर कांड का पाठ कर गरीबों में भोजन बांटा। विश्व हिंदू परिषद के इन कार्यकर्ताओं ने आज काली मंदिर प्रांगण में योगी आदित्यनाथ के दीर्घायु होने की कामना को लेकर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया। इनका कहना है कि वह पिछले एक दशक से योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन इसी तरह से मना रहे हैं। हालांकि एक संत होने की वजह से सीएम योगी अपना जन्मदिन तो नहीं मनाते हैं, लेकिन वह विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसके कारण उनके कार्यकर्ता उनके जन्मदिवस पर इसी तरह से धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के 47वें जन्मदिन पर आज हम लोग हवन यज्ञ कर रहे हैं, सुंदर काट पाठ का आयोजन कर रहे हैं और इसके तत्पश्चात भंडारे का कार्यक्रम करेंगे। हम लोग एक दशक से परम पूज्य महाराज जी का जन्मदिन मना रहे हैं, यही काली जी के मंदिर पर उनका हम जन्मदिन मनाते हैं, उत्सव करते हैं और उनकी स्वस्थ रहने के लिए दीर्घायु के लिए हम लोग हवन यज्ञ का काम करते हैं। महाराज जी के जब से मुख्यमंत्री हुए हैं पूरे प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है।